The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. See, if you are diabetic, agar aapko diabetes hai aur aap maintain karna chahte hain, bahut aasan hai. You have to follow and obey a few rules. आपको rules समझने हैं. Number one rules हैं कि आपकी जो भी diet आप जितना भी खाते हैं, it's very important कि आपके अंदर जितना खाना जा रहा है, carbohydrates less than 50% हो. जितना भी खाना है उससे 50% से less carbohydrates हो, तभी आपकी diabetes सही तरीके से manage होगी. अगर आप दिन भर में 6 रोटी, 8 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी खाते हैं और सिर्फ रोटी और सब्जी खाते हैं, तो आपके अंदर 80-90% कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, क्योंकि रोटियों में 80-90% कार्ब्स होता है और सब्जी में सब कुछ ही कम है. सो सब कुछ कम मतलब बहुत कम कम कार्ब, बहुत कम प्रोटीन, बहुत कम सिर्फ विटामिन्स हैं. सो आपके अंदर फिर कार्ब्स ही जा रहा है, प्रोटीन बहुत कम है, फैट तो बहुत कम है. सो आपको इस डाइट मेथड को चेंज करना पड़ेगा. तो एक बहुत सिंपल रूल है जो आपको फॉलो करना है कि पूरे दिन में कोशिश करनी है आधा किलो सब्जियां खाने की, वेजिटेबल्स. आधा किलो वेजिटेबल्स खाइए, कोई भी वेजिटेबल, मौसम या सीजन के अकॉर्डिंग जो अवेलेबल है. कि आप क्या नाम है, पोटैटो छोड़ के या पोटैटो कम रख के, ठीक है, पोटैटो कम रख के आधा किलो वेजिटेबल्स खानी है. देन यू हैव टू टेक हाफ के जी ऑफ सैलड. सैलड आधा किलो खाने हैं. उस सैलड में आप गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, प्याज, जो चीज़ आप कच्ची खा सके वो कच्ची खाइए, या सैलड को थोड़ा सा स्टिर फ्राई करके या बॉईल करके, सूप बना के, कद्दूकस करके, दही में डाल के, रायता बना के, हाउ सो एवर आप उसको खाना चाहे आप खाओ, जिस सी चीज़ से आपको सूट होता है. गॉट इट? सो आपको हाफ अ के जी सैलड खाना है, हाफ अ के जी वेजिटेबल्स खाना है पूरे दिन में, डिवाइडेड डोसेजेस में, थोड़ा सुबह, थोड़ा दोपहर, थोड़े शाम, थोड़ा हाफ. और पूरे दिन में 4 से 6 बार, कम से कम 4 बार खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार खाना है. आधा किलो सलाद, आधा किलो वेजिटेबल्स. 2 दिन में फ्रूट खाने हैं, जो मर्जी फ्रूट खा लीजिए, 2 से 3 खा लिए बहुत है, 0 नहीं खाना, यानी 1 से 3 फ्रूट ज़रूर खाने हैं. और आपने आधा किलो, कम से कम आधा किलो दूध लेना है, डबल टोन्ड दूध, आधा किलो से 2 किलो तक भी ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है. दूध में डबल टोन्ड दूध, डबल टोन्ड में क्या होता है, फैट्स काफ़ी निकल जाते हैं और 1 ग्राम प्रोटीन पे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है. इसी के कंपैरिजन में रोटी में 1 ग्राम प्रोटीन में 10 से 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है. सो रोटी कम करके दूध बढ़ाएंगे, उसी दूध का दही, लस्सी, छाछ, पनीर खाएंगे तो इट्स गुड. सलाद इज़ गुड, वेजिटेबल्स इज़ गुड. और दाल खा सकते हैं दिन में 2 बारी, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं दाल खानी है. दाल को आप स्प्राउट्स करके खा लो, दाल बना लो, अपना दाल को उबाल के खा लो, जैसे मर्जी खा लो. दाल दिन में 2 बार खाएंगे. रोटी आपने दिन में कम खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार खानी है. जितनी कम करते जाएंगे रोटी उतना बेहतर है. रोटी खाए बगैर भी आपको कार्बोहाइड्रेट दालों से मिल जाएगा, क्योंकि दालों में भी 50% कार्ब्स होते हैं और प्रोटीन होता है 15%. और इसी कंपैरिजन में रोटी में सिर्फ 6 से 7% प्रोटीन होता है और 70-80% कार्बोहाइड्रेट. तो रोटी कम करेंगे, दाल रखेंगे, नॉनवेज खा सकते हैं घर में बना के, अच्छे ऑयल से, अच्छे तरीकों से, या तो आप उसको बॉइल्ड खाइए, बेक्ड खाइए, आप उसको सिंपल जितने कम से कम उसमें करेंगे, पकाएंगे उतना बेहतर. ग्रिल्ड करके खा सकते हैं, सूप बना के खा सकते हैं, करी बना के खा सकते हैं, बॉइल्ड करके खा सकते हैं. तो नॉनवेज खा सकते हैं दिन में 1 बार 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है. दिन में 3 बार नॉनवेज खाने में कोई दिक्कत नहीं है. इस तरह से हो ये रहा है कि आपकी बॉडी में जाने वाला 80% आपके पूरी डाइट पे भारी पड़ने वाला कार्ब सीधा सीधा 30-40% हो जाता है. तो 30-40% में आपकी बॉडी पतली होनी शुरू होती है, आपकी इंसुलिन या आपकी शुगर की रिक्वायरमेंट कम होनी शुरू होती है, एंड यू कैन लिव विद दैट डायबिटीज़ वेरी इजीली.
राइट सो इसी साथ में दवाइयाँ भी बंद हो सकती हैं, इसी साथ में कम दवाइयों से मैनेज हो सकता है, इसी के साथ में कॉम्प्लिकेशन कम हो सकते हैं. सो डायबिटीज़ के साथ जीना मुश्किल नहीं है, कुछ रूल्स फॉलो कर लें. इसके साथ एक 10 मिनट की एक्सरसाइज डेली करने की कोशिश करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज को अपनी क्षमता अनुसार चैलेंजिंग बनाएं और रात को नींद सही तरीके से लें. अगर आपको नींद नहीं आती है तो एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, रात को थकेंगे तो नींद आएगी. और रात को दूध यानी रात को केसिन प्रोटीन, दूध दही पनीर लस्सी या छाछ ज़रूर लें. रात को जो केसिन प्रोटीन लेते हैं उसकी उससे वो आपके प्रोटीन्स को आपके मसल्स को प्रोटेक्ट करता है मसल वेस्टिंग से. जैसे उम्र बढ़ेगी मसल बचाना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ मसल ग्रोथ. सो ये सारे रूल्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी डायबिटीज़ 100% धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी, किसी की जल्दी किसी की धीरे. रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग उसका एक पार्ट है. इसके लिए आपको सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर डर है तो वो सिर्फ शुगर लो हो जाने का है. तो लो हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा लो होगी सुबह सुबह, क्योंकि खाना खा के बहुत टाइम हुआ है सुबह सुबह. तो सुबह सुबह की फास्टिंग शुगर जैसे ही आपकी 80 से या 70 से नीचे आने लगती है, एक दिन दो दिन आपने शुगर की दवा डॉक्टर से मिलके कम करने की बात करनी है. फिर वो आपकी दवा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आपके उससे कम करेंगे. इसीलिए आप रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के फास्टिंग शुगर हमेशा करेंगे और उसको एक चार्ट बनाएंगे प्रॉपर. ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आपकी शुगर कम होती जाएगी. इस तरह आप शुगर भी कम कर सकते हैं और शुगर के साथ जी भी सकते हैं. बताइए इससे बेहतर कोई तरीका है? थैंक यू सो मच.